हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट जो प्रेजेंट टाइम में अंडर ग्रेजुएट सेशन में हैं। तो आप लोग को आज यह न्यूज़ हम देना चाहेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वह एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपका जो एग्ज़ाम होगा एक नए पैटर्न पर होगा, एक नए तरीके से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स पे। आइए आज जानते हैं हमारा क्या टॉपिक होगा जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपको जैसा बताया, यह न्यूज़ सिर्फ यूजी के स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे बच्चे जो इस साल एडमिशन लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, यह किस किस क्लास के लिए है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने आएंगे, उसके बाद टोटल मार्क की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न ड्यूरेशन, कितने टाइम का आपका एग्जाम होगा। तो आइए हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। जो एग्जाम पैटर्न होगा वह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बार आपको आएंगे। कैसा क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन या आप कह सकते हैं एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस इस बार आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग अपना जो प्रिपरेशन करेंगे, जितने भी बच्चे अपने प्रिपरेशन करेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को ही तैयार करेंगे। नेक्स्ट बात हम बात करते हैं किस क्लासेस के लिए अप्लाई होंगे। तो यह पैटर्न सभी क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, यह उन्हीं बच्चों के लिए है जो प्रेजेंट टाइम में यूजी का निकलेंस है बीएससी बीकॉम एंड बीए के फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है। फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए यह एग्जाम पैटर्न अप्लाई किया जाएगा, और बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के लिए बच्चों के लिए यह पैटर्न नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपको जो एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस रहेंगे। इतने क्वेश्चंस रहेंगे 75 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको पास होने के लिए मिनिमम 40 क्वेश्चंस को सही करने पड़ेंगे। मिनिमम 40 क्वेश्चंस को आपको क्या करने पड़ेंगे, सही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें जिसमें से 75 क्वेश्चन का आपका एग्जामिनेशन होगा और जो 25 क्वेश्चन होते हैं कह सकते हैं 25 नंबर का वह आपके सेशनल एग्जाम होते हैं। तो अब आपकी टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कितने हो गए, टोटल ये आपके हो गए 100 नंबर्स के। कितने नंबर के हो गए, 100 नंबर। 75 नंबर का आपका क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन होंगे जो उसको आपको अटेम्प्ट करना होगा, और उसमें पास होने के लिए मिनिमम आपको 40 नंबर पाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल मार्क, आप जानते हैं टोटल मार्क आपका कितना हो जाएगा, 100 नंबर का होगा। टोटल मार्क कितने का हो गया, 100 नंबर का होगा। अब एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो एग्जाम जो ड्यूरेशन होगा वो आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा। आपका जो एग्जाम टाइमिंग होगी वह 90 मिनट के अंदर आपको 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। बच्चों वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। बाय बाय, गुड बाय।